अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एरर सही करना सिखाने जा रहा हूँ। ये एरर आप देख रहे हैं क्लाइंट मैक ADDR का एरर है। तो गाइस, ये आपके पास कब आता है? जब आप पीसी ओपन करते हैं, अचानक से आपका पीसी ऑफ हो जाता है, या फिर आपने काफ़ी दिनों बाद अपना पीसी ऑन करा है तो आपको ये एरर देखने को मिलता है। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम इस एरर को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर के जरिए सही कर सकते हैं या फिर हार्डवेयर के तरीके से सही कर सकते हैं, ये सीखेंगे। तो मेक श्योर गाइस, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और वो मेरे भाई जो कि इस एरर को लेकर परेशान है उनके साथ ही वीडियो लास्ट में शेयर करें। गाइस, जब मेरे पास ये एरर आया तो मैंने नेट के ऊपर बहुत सी वीडियोस देखी, चाहा कि मैं इसको खुद से सही कर लूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको खुद से सही भी कर लिया। अब गाइस, जब ये एरर आता है तो इसकी डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। या तो आपका पीसी अचानक से ऑफ हो गया है, पावर सप्लाई अचानक से कट हो गई है, या फिर आपका पीसी जो है वो किसी चीज़ से टकरा गया है, आपने कहीं से उठा के कहीं रखा है तो उसके जो हार्डवेयर के पार्ट्स हैं, रैम्स हो गई, उसके अंदर हार्ड ड्राइव हो गई, वो हिल गई है। तो गाइस, आपने सिंपल तौर पर क्या करना है, जब भी आपके पास ऐसा एरर आए तो सिंपल आपने अपना पीसी ओपन करना है। पीसी ओपन से मुराद बिजली वाला ओपन नहीं भाई, आपने अपने पीसी को अनकवर करना है, उसका जो कवरिंग पार्ट है उसको हटाना है, उसके बाद जो आपकी रैम्स लगी हुई है उनको निकाल के साफ़ करना है, उसके बाद अगर GPU लगा हुआ है, ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तो उसको निकाल के साफ़ करना है। इन सबसे पहले अगर आपने अपने पीसी के अंदर दो हार्डवेयर लगाई हुई हैं, दो हार्ड ड्राइव लगाई हुई हैं, तो गाइस उनकी पिन जो है वो आपने रिप्लेस कर दी है। जी हाँ दोस्तों, तो उनकी सिर्फ जो पावर सप्लाई आप दे रहे हैं उनको, जो उनके अंदर केबल्स जा रही हैं उनको आपने रिप्लेस कर देना है, पहले को दूसरी में, दूसरी को वन में लगा देना है, यानी कि दूसरी को पहले में लगा देना है। मैंने भी गाइस सिंपल तौर पे ये करा और मेरा पीसी अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मली रिस्टार्ट हो गया। लेकिन गाइस, ये जो है वो आपने एक साथ नहीं करना, आपके पास अगर दो हार्ड ड्राइव लगी हुई हैं तो आपने क्या करना है, पहले एक को लगाना है और फिर पीसी का स्टार्टअप लेके चेक करना है, अगर पीसी स्टार्ट हो जाता है तो ओके, फिर आपने अपनी दूसरी हार्डवेयर को कनेक्ट करना है। अगर इससे भी आपका पीसी सही नहीं होता तो आपने GPU निकाल कर साफ करके लगा देना है, इंशाल्लाह गाइस हो जाएगा। इसके अलावा गाइस, एक और तरीका है सॉफ्टवेयर का, आप जो है वो BIOS के ज़रिए अपने पीसी को सही कर सकते हैं, बगैर पीसी को अनकवर करे, बगैर पीसी की केबल्स चेंज करे, बगैर किसी हार्ड ड्राइव के रिप्लेसमेंट के। वो किस तरीके से कर सकते हैं, अगर आपको वो सीखना है तो कमेंट सेक्शन में रब्ता करें, वो भी मैं आपको सिखा दूँगा। तो गाइस, आज की वीडियो यहीं तक थी, शॉर्ट बनाने की कोशिश करिए, इन्फो देने की कोशिश करिए, उम्मीद है आपके समझ आई होगी, पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।